दो मिनट में प्यार और अगले दो मिनट में उसी लड़के से धोखा, फिर आ जाती इस हिलोट पे सुसाइड करने के लिए। आ तो जाती पर सुसाइड कर नहीं पाती, यहाँ की ऊंचाई से डर जो लगता है। और फिर शाम होती यहाँ के जंगली जानवरों के डर से मांगने लेती है लिफ्ट। रोको रोको, स्टॉप स्टॉप। हेलो, तुम्हारा हो गया? मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे किसी से प्यार हुआ है। मेरा नाम सारा थापर है, वुडस्टॉक की स्टूडेंट हूँ, अक्सर यहाँ आती हूँ। यहाँ रोड पे ऑयल गिरा हुआ है, मेरी गाड़ी स्किड हो गई है, कुछ भी हो सकता था। और ये सब तुम्हारे साथ ना होना इसलिए तुम्हें रोक रही थी, समझे? एनीवे मुझे नीचे तक लिफ्ट चाहिए एंड आई विल बी ड्राइविंग। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने क्यों कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। Obviously, हिल रोड पे कोई 70-80 की स्पीड पे चलाता है। You know what could have happened? One wrong turn and... Nice car, by the way. I love vintage cars. I'm obsessed with vintage cars. Have you ever seen the 1965 Jag? That's my favorite. आज तक कई लड़कियां देखी पर कोई याद नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। ये आंखें जो मुझे देख रही हैं, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही, ये लंबे बाल जो पेपर वाउड रहे, और ये होठों की लकीरें जो बिल्कुल उन रेसिंग ट्रैक्स की तरह है जिन्हें अक्सर मैं अपने सपनों में देखता रहता हूँ। एनीवे यू ओमी वन, ऐसे क्या देख रहे हो? जान बचाई तुम्हारी। Thanks for the lift. तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। तुम्हारी ड्राइविंग से ज़्यादा नहीं। Really? हम यहाँ तक कैसे पहुँचे पता ही नहीं चला। ये तो बस मेरी ड्राइविंग थी। अगर मेरे अंदर की रेसर को देखना चाहते हो तो फिर संडे को आ जाना। बहुत बड़ी रेस होने वाली है और मैं जीतने वाली हूँ। Okay, I think I have an extra pass. मुझसे मिलने से पहले इस रेस में हिस्सा ले रहे थे या मेरे मिलने के बाद डिसाइड किया? तुम्हारे मिलने से पहले। वैसे मेरा नाम रंज है, अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, वुडस्टॉक। ये भी तुम्हारे मिलने से पहले। यहाँ हूँ। God, you scared me. Congratulations. Thank you. तो क्या है वो जिसे जानने के बाद मुझे ये रेस हारने का अफसोस नहीं होगा? इतना जल्दी जानना चाहती है मुझे? अच्छा ठीक है, but that was amazing. I mean, how did you do that? I've got to know your secret. Secret? सीक्रेट जानने के लिए थोड़ा करीब आना पड़ेगा, थोड़ा और। सीक्रेट है क्या है सीक्रेट? मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। I have nothing to lose. खत्म हो गया सीक्रेट।
रांच। 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 अजीब है, 200 की स्पीड से जब ड्राइव करती हूँ तो मेरी धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल होती है, पर आज तुम्हें 2 मिनट के लिए नहीं देखा तो मेरी धड़कनें 200 की स्पीड से चलने लगी। बस मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। I love you, राज। I love you too, सारा। लव लॉक, तुम्हारे मेरे नाम का, तुम्हारे मेरे प्यार का। मैं इस चाबी को इतनी दूर फेंकना चाहता हूं कि किसी को भी किसी भी जन्म में ना मिले। सारा, सारा, आई लव यू, लव यू। जिसे तुम अब तक इल्यूजन समझ रहे थे वो सब रियल था। तुम्हें जीतने का बड़ा शौक है ना, अब हारने की आदत डाल लो। अब मैं तुम्हें किसी भी खेल में जीतने नहीं दूंगी। सारा तुम्हें जीतने नहीं देगी और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं राज, अदिति का भाई। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूं। मैं तुम्हारे जिस्म से खून नहीं, तुम्हारी आंखों से आंसू देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं, तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट द विनर ऑफ द अल्टीमेट बर्नआउट रेस, मिस सारा थापर। मुझे याद है लास्ट रेस में तुम हार गई थी और रंज जीत गया था, और आज रंज हार गया और तुम जीत गए। कैसे होता है ये सब? किसी रेसर ने मुझे उसके जीतने का सीक्रेट कहा था कि वो अपना पाव ब्रेक पर नहीं रखता, उसे मौत से डर नहीं लगता, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो जीतता था। वो सही था। इस बार मैंने अपना पाव ब्रेक पर नहीं रखा क्योंकि अब मुझे भी मौत से डर नहीं लगता। And now I have nothing to lose. Wow, so lucky. He must be a great racer. आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
एक्चुअली मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कमाल के एक्टर हैं आप। 21 साल क्या एक्टिंग की आपने, कोई गलती नहीं की, सब परफेक्ट, प्लानिंग परफेक्ट, मर्डर परफेक्ट। आप ये सोच रहे हैं ना मुझे आपके और रंज के बारे में सब कैसे पता चला। यहाँ आने से पहले तुम्हारे और रंज के बारे में मिस्टर कपूर ने हमें सब कुछ बता दिया। आज आपको अच्छा नहीं लगा ना मुझे जिंदा देख के? बिल्कुल नहीं सारा, क्योंकि मैंने जो किया वो सही किया। लेट मी शो यू व्हाई। ये आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं पाना चाहता था, और इसी को पाने के लिए इतने साल मैंने तुम्हें बाप का झूठा प्यार दिया, अपने ही बेटे से तुम्हें प्यार करवाया और उसी के हाथों तुम्हें मरवाया। और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट, वो भी मैंने करवाया था। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ मैंने करवाया, तुम्हारी किस्मत की हर लकीर मैंने खींची है, और अब तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होगी। साल पहले आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस जीरो था, और उसके 21 साल बाद भी जीरो रहा। अब आपका वही टाइम वापस आया है, जीरो। मरने से पहले आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि ना आपको पैसे मिले और ना ही आपके बेटे को प्यार। ये सब कुछ आपने इन पैसों के लिए किया ना, आज इन्हीं पैसों के साथ आप चल जाओगे। आपने मेरी किस्मत नहीं लिखी, उसने लिखी है। आज आपकी लंका जल रही है, हो सके तो अपने अंदर के रावण को जला देना। चाहता तो मैं तुझे कल ही खत्म करता। अब पता चला कितना दर्द होता है जब कोई अपना मरता है। एक रात एक जन्म के बराबर लगती है। जैसे तू एक रात तड़पा है, वैसे मैं अपने भाई के लिए हर रात तड़पा हूं। ले लो अपना बदला। हर एक पल का, हर एक आंसू का, हर एक दर्द का। मार दो इसे। Ugh.
क्या मारो इसे, ये तो बदला लेने के लायक भी नहीं है। इसके पास तो दिल ही नहीं है, इसे क्या मारना। इसके दिमाग में पैसा फीड किया तो इसने पैसा पैसा कर दिया, प्यार फीड किया तो इसने प्यार किया, और मर्डर फीड किया तो इसने मर्डर कर दिया। मैंने तुमसे प्यार किया, अपना सब कुछ दिया, और तुमने मेरी जान ली। You're heartless, just a machine, बस एक मशीन हो तुम, मशीन हो तुम। मैंने तुम्हें अपने शरीर से निकाला, अपने दिमाग से निकाला, पर मैं आज तक तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई। एक बार किसी से प्यार हो जाए ना तो उसे दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है। सोचा था बदला लूंगी तो सब खत्म हो जाएगा, पर ये कभी खत्म नहीं होगा राज, तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं होगा। याद है मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे घर में ले जाना चाहता हूं जहां ना कोई खिड़की हो ना दीवारें ना कोई दरवाजा, कोई हमें देख ना रहा हो, सिर्फ मैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हजारों लाखों ख्यालों पर इतने साल इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था वो हट गया है। सही कहा तुमने, मशीन, अब तक मशीन ही था मैं, हार्टलेस। बहुत सही जगह पर मारा है आज राज ने, आज पहली बार महसूस हुआ कि दिल है मेरे पास। आज दिल ने हरकत भी की, धड़कनों की आवाज भी सुनाई थी और दर्द भी हुआ। पूरी जिंदगी मैं पैसों के पीछे भागता रहा, लेकिन जो प्यार तुमने मुझे दिया मैं कभी खरीद नहीं पाता। तुम्हें मारने की सजा तो मुझे पता है, पर तुम्हारा दिल तोड़ने की नहीं। अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं इस बार अपने दिल की सुनना चाहता हूं, रोमियो की तरह तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, जूलियट की तरह तुम्हें फील करना चाहता हूं, दिल से प्यार करना चाहता हूं। तुम मेरी आंखों से आंसू देखना चाहती थी ना,
हारा, तुम जीत गए और मैं हार गया। सही कहा था तुमने, एक बार किसी से प्यार हो जाए तो उसे दिल से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सारा। ऐसा लग रहा है ये चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा, ये आंखें जो मुझे देख रही हैं, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही, ये लंबे बाल जो बेपरवाह उड़ रहे हैं, और ये होंठों की लकीर, ये सब मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं।